भाई लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मैं मन कर रहा है ना वो पाकिस्तानी मेम है ना वो बोलूं। तौबा तौबा तौबा, बहुत मनहूस लग रहे हो भाई। ये चीज़ अगर मैं कहना चाहूँगा तो अफसाना के बारे में कहना चाहूँगा। भाई उन्होंने एक गाना गाया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ये गाना गाने के बाद में जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट बिग बॉस के घर के अंदर में दिया कि विशाल जैसे लोग जो है ना उसके आगे पीछे घूमते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए। सच बताऊँ तो लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद में बस एक ही चीज़ लग रहा है कि इससे वाहियात औरत और इससे ज़्यादा पागल औरत मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब इसका जो एटीट्यूड है ना कि भाई गेम को गेम की तरह नहीं पर्सनल लेवल पे ले जा करके खेलना और उसके बाद से अपना भड़ास निकालना, हर वो चीज बोलना जो कि भाई वो सामने वाला इंसान डिजर्व करे या ना करे बस वो बोल देना है, और हर चीज में जो है अपने आप को ये बताना कि मैं एक लड़की हूँ, एक फीमेल के साथ में कैसे बात करनी चाहिए ये तुझे नहीं आता है। क्योंकि विशाल ने उसको कह दिया कि तू भाई पीछे का काम आगे से करती है और आगे का काम पीछे से, यानी जब भी तू मुंह खोलती है तो टट्टी करती है। एंड ट्रस्ट मी, अब तक जो मैंने देखा है इससे तो यही लग रहा है कि विशाल ने जो कहा है वो एकदम सही है। अब बात करते हैं हमारे नए नवेले आशिक और महबूब के बारे में, यानी जो लोग घर के अंदर में एक हफ्ता साथ बिताए जिसमें से 3 दिन जो है लड़के ने लड़की को भाव नहीं दिया और 4th दिन एकदम डीपली प्यार में डुबकी लगाने लग गया। भाई जब वो बंदा जो है ना उस लड़की से जो कुछ भी कह रहा होता है ना उसको देख करके मुझे अपना वाला टाइम याद आ जाता है कि यार हम एकदम नए नए में ना पूरा पगला जाते हैं, यानी हम लड़के लोग हर वो वादे कर जाते हैं जिसका साला आगे ना पीछे कोई मतलब नहीं होता है, बस कर जाते हैं। मतलब जैसे कि भाई साहब ने सुबह 4 बजे उठ करके जो बकचोदी मचाया है ना कि उठ करके कहता है मम्मी की कसम तुझे मैं कैसे ट्रस्ट दिलाऊं, मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूं। बिग बॉस को बोलता है यकीन दिलाओ, मैं सच कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी वाली लड़ाई होने वाली है और उसके बाद से बिग बॉस जो है मजे लेगा बैकग्राउंड में सैड सॉन्ग लगा करके प्रोमो बना करके। सच बता रहा हूँ, याद रखना मेरी बात को, क्योंकि भाई ऐसे कपल जो है ना बहुत भयानक होते हैं। और सोने पे सुहागा क्या लगा सुनने में पता है कि भाई मायशा कहती है कि पहले पहले सभी लोग जो है ना इतने ही स्वीट होते हैं, बाद में जाके बात बिगड़ती है। वो सुन करके मुझे आया दिमाग में भाई बंदी बहुत एक्सपीरियंस वाली है, एंड ट्रस्ट मी एक्सपीरियंस वालों के साथ में रहने का मजा जो है ना बहुत अलग होता है। एंड ट्रस्ट मी इट्स अ हाई लेवल थिंग, नहीं समझ पाओगे, जो लोग नए नए आए ना उनको नहीं समझ में आएगा। तो भाई इस चीज को मैं सोच रहा था कोई जा करके उसको समझाए कि मेरे बाप तू प्यार में डुबकी लगा रहा है, गोते खा रहा है, बस उसमें डूब मत भाई, ऊपर ऊपर तैर। और ये चीज लगता है उमर भाई ने सुन लिया। उमर रजा जाकर के उसको बोलते हैं तू प्यार में पूरा पागल हो चुका, थोड़ा दिमाग गेम में भी लगा, और वो चीज जो है मुझे एकदम सही लगा। पर टास्क के बाद में ऐसा लगा कि सारी सीन जो है ना वो स्क्रिप्टेड है। मतलब 3rd या 4th दिन बताया गया था कि भाई इसमें से कौन कपल बनना चाहेगा, ईशान और मायशा ने हाथ उठा दिया होगा और वो लोग आगे कंटिन्यू कर गए और उसके बाद से उसी बंदे को चुना कि देख भाई तू बेवजह का भड़कना शुरू कर। सब कह रहे प्रतीक बेवजह भड़का था, प्रतीक ने बेवजह अपना एग्रेशन दिखाया था। भाई ये बंदा दिखा रहा अपना एग्रेशन जिसका कोई आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मीनिंग नहीं बनता है, बस एग्रेशन दिखा रहा है और हर चीज के एंड में बोलता है तू अपनी औकात में रह। व्हाट द फक, क्यों क्यों रहे वो बंदा औकात में? भाई तू उसकी औकात जानता है या तेरी औकात उससे बड़ी है? और उसके बाद से जैसी गर्लफ्रेंड आती है बेबी आगे से नहीं होगा। सबसे ज्यादा फेक वाला प्यार इन दोनों का लग रहा है। ये दोनों जो है ना भाई कभी भी भसड़ मचा सकते हैं, अब भले से वो स्क्रिप्टेड हो या फिर सच्ची में इन लोगों का दिमाग खराब हो जाए और एक दूसरे को एकदम पेड़ डाले भाई। इसके अलावा जो शो का सबसे बड़ा हाईलाइट है जय भानुशाली, सच बता रहा हूँ एलिमिनेशन का गेम स्टार्ट होने से पहले ही बंदे ने सेट कर लिया कि मुझे कोई एविक्शन ना मिल जाए, मुझे कोई एलिमिनेट ना कर दे, सबको जाके पटाने लग गया भाई। वो जो पटाया और पटाने के साथ में भाई लॉयल्टी भी दिखाया, मैं इस चीज़ की तारीफ करूंगा कि भाई ईशान को उसने बोला था कि हम चार जन में से किसी का नाम मत लेना और अगर तेरा नाम आया तो उसमें से मैं तेरा नाम बिल्कुल भी नहीं चुनूंगा, जिसकी वजह से वो मायशा और ईशान के लिए जो अपना सपोर्ट एकदम बराबर से दिखाया है। और जो इविक्शन होने वाला है इस हफ्ते वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, वैसे फिर भी मुझे लगता है डॉलर को उठा के फेंक दो। एक तो साला ये डॉलर, यूट्यूब में मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि डॉलर कुछ नाम हो सकता है, मुझे डॉलर सुनते ही कुत्ते का नाम याद आता है, डोनाल्ड सुनते ही मुझे ऐसा लगता है मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहा हूँ या फिर डोनाल्ड मुझे निकलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब रियल नेम जो है ना दिमाग को हिला डाल रहा है, जैसे वो सिम्बा बेचारा आया, अफसाना उसको सीधा बोली मैं तो अपना वोट अपने हिसाब से देके रहूंगी, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। भाई अजीब था वो सिम्बा बेचारा, चुपचाप 2-3 बार हाथ वाथ दिखाया और उसके ऐसे सीधा बोला ठीक है मेरी माँ तुमको जो करना है करो। तो अभी तक का जो एपिसोड है मुझे लगा ना भाई
जय भानुशाली की पूरी तरह से फटी हुई है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसने पिछले हफ्ते जो कांड किए हैं और अभी भी जो कर रहा है वो, कि बात बात पे गाली देना, बात बात पे निकलना इधर से, ये जो अग्रेशन है ना बॉस, वो शायद उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जो भी लोग जानने वाले हैं, जो भी लोग उसके सपोर्ट में थे, वो अब अगेंस्ट में हो जाएंगे, जिसके वजह से वो रिस्क अभी नहीं ले रहा है। वो 2-3 हफ्ता तक देखेगा कि पब्लिक का क्या मूड है, क्योंकि जो फर्स्ट वीक में दिखाया गया है और अभी सेकेंड वीक चल रहा है, उसके हिसाब से उसको अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वीक सलमान खान जय भानुशाली को कुछ रोकते टोकते हैं है या बस गो ऑन, चल बेटा तू एकदम सही चल रहा है, ऐसे ही चलने वाला है। आपको क्या लग रहा है? आपको मेरे इन सभी ओपिनियन से जरा सा भी अगर वास्ता रखते हो ना, तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ कि हाँ भाई, हाँ आप भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो, आपका भी यही कहना है। कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना हाँ भाई तेरा और मेरा सोच एकदम सही जा रहा है, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मैं पढ़ूंगा और तुम लोगों का जब कमेंट आता तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता पढ़ने में, तो प्लीज यार कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।